Address the gathering. Ladies and gentlemen, please give a big hand to welcome the Honourable Prime Minister. Kuru Majari. एक होएगी सरकार बुथाजा बिरबा मणिपुर की प्रजापूम नामा को थागचारी सबसे पहले मणिपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई मंच पर विराजमान मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी यहां के लोकप्रिय और कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान एन बीरेन सिंह केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और डोनार मंत्रालय को देखने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और मणिपुर से जिस पूरे देश को जिस विषय में आशा है वो हमारे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान वाई खेमचंद जी संसद में मेरे साथी श्रीमान के भावानंद सिंह सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान यूमनाम जॉय कुमार सिंह राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान विश्वजीत सिंह श्रीमान एल जयंत कुमार सिंह श्रीमान करम श्याम श्रीमान लेतपाव हकीफ श्रीमान एन कैसिल श्रीमान श्याम कुमार श्रीमान लोशी दिखो श्रीमान वी हंक खनलियान श्रीमती नेमचा किपगेन श्रीमान राधेश्याम सिंह और संसद में हमारी साथी देश का गौरव बढ़ाने वाली इसी धरती की बेटी श्रीमती एमसी मैरीकॉम और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कल एक वर्ष पूर्ण किया आज दूसरा वर्ष का प्रारंभ हुआ है सरकार कैसे चलाई जाती है शासन कैसे चलाया जाता है विकास की योजनाओं पर कैसे काम होता है स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के अगर कार्य करती है तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मणिपुर की भव्य तस्वीर देख करके हर किसी को मिल जाता है आपकी आंखों में चमक आपकी खुशी ये साफ साफ बता रही है कि राज्य सरकार के काम से आपको कितना संतोष है सरकार कितना अच्छा प्रगतिशील काम कर रही है जिस प्रकार से इस विशाल मात्रा में आप दूर दराज इलाकों से यहां आए हैं हमें आशीर्वाद देने आए हैं एक वर्ष से कार्य को संतोष प्रकट करने आए हैं और दूसरे साल के लिए जोश भरने के लिए आए हैं और इसके लिए मैं मणिपुर से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं मणिपुर के लोगों का यहां के प्रशासन और राज्य सरकार का पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों के लिए
उनकी उपलब्धियों के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है पिछले साल फरवरी में जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि 15 साल में जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो हमारी राज्य सरकार 15 महीने में करके दिखाएगी। दिखाया क्या? आपको संतोष है, काम करने वाली सरकार है, नतीजे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 15 महीने पूरे होने में 3 महीने बाकी है, लेकिन मणिपुर में बदलाव साफ देखा जा सकता है। पहले की सरकार की नीतियां और निर्णयों से समाज में जो नेगेटिविटी आ गई थी उसे वीरेंद्र जी की सरकार ने बदल दिया। लॉ एंड ऑर्डर हो, करप्शन की बात हो, ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम आगे बढ़ रहे हो, हर मोर्चे पर मणिपुर सरकार तेज गति से काम कर रही है। साथियों, मणिपुर के विकास के लिए आज मुझे करीब करीब 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ की योजनाओं को शुरू करने या लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। छोटे से राज्य में एक कार्यक्रम में 750 करोड़ रुपए के काम, ये अपने आप में काम की गति कितनी है इसका जीता जागता सबूत है। ये योजनाएं सीधे सीधे यहां के नौजवानों के सपनों को, उनकी प्रतिभा को, उनके रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र में कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। मेरा विश्वास है ये योजनाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भाइयों और बहनों, स्पोर्ट्स आज सिर्फ मनोरंजन और फिट रहने का साधन भर नहीं रह गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्यम, बहुत बड़ा उद्योग है। आज ये फुल टाइम कैरियर भी है। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि देश के नौजवानों को स्पोर्ट्स की आधुनिक ट्रेनिंग के साथ हर सुविधाएं दी जाए। विशेषकर उत्तर पूर्व में लाखों नौजवानों के सामर्थ्य और उनकी प्रतिभा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया था। मुझे खुशी है कि इस साल जनवरी से यहां 2 कोर्स शुरू भी हो चुके हैं। आज जिस कैंपस का शिलान्यास मुझे करने का अवसर मिला, उसका कार्य पूरा होने के बाद यहां के नौजवानों के स्पोर्ट्स टैलेंट्स को सामने लाने, उसे ट्रेनिंग देने में ये व्यवस्था से और मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने का संकल्प लेकर के चल रही है। हाल में ही हमने खेलो इंडिया नाम से स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हर साल देश के चुने हुए 1000 प्रतिभावान एथलीटों पर 5 लाख रुपए तक खर्च किया जाएगा। मैं मणिपुर के नौजवानों का भी आह्वान करता हूं कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ यहां के नौजवान उठाएं, आगे आएं। हमारा फोकस
स्कूली स्तर पर टैलेंट की पहचान कर उसे निखारने का भी है। हाल में ही इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन हुआ था। मुझे खुशी है इसमें भी मणिपुर ने अपना लोहा मनवाया और मेडल टैली में पांचवें स्थान पर ये छोटा सा राज्य पूरे देश में पहले पांच में आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। मणिपुर ने देश के बड़े बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ते हुए 13 गोल्ड मेडल सहित 34 मेडल जीते। इसके लिए यहां के यूथ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन इन खेलों में दिखाया है। साथियों, आज यहां स्पोर्ट्स से जुड़े एक और बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया, मणिपुर का पहला मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब यहां के नौजवानों के हवाले कर दिया गया है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहां के नौजवान यहां न सिर्फ ट्रेनिंग कर पाएंगे बल्कि अच्छे टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज हो सकेंगे। भाइयों और बहनों, मणिपुर देश का वो राज्य है जिसने स्पोर्ट्स के माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट की बात को सच करके दिखाया है। यही कि महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में लेकर के कॉमनवेल्थ खेलों तक हर जगह पे देश का नाम रोशन किया है। फुटबॉल हो, रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, आर्चरी हो, कोई भी खेल ले लो, इस राज्य ने मैरीकॉम, मीराबाई चानू, बॉम्बाइला देवी लेशराम और सरिता देवी जैसे कई चैंपियंस इस देश को दिए। विमेन पावर इन दिस स्टेट हैज ऑलवेज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कंट्री। टुडे ऑन दिस ओकेजन आई सैल्यूट द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी एंड डॉटर ऑफ द नेशन रानी गाइडिल्यो। आई एम ऑल्सो प्रिविलेज टू इनोग्रेट टुडे अ पार्क डेडिकेटेड इन हर नेम। फ्रेंड्स, गर्ल्स एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ओनली सम टाइम बैक द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च नेशन वाइड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। द प्रोग्राम हैज एलिसिटेड नेशन वाइड पॉजिटिव रिजल्ट्स। आई एम हैप्पी दैट द स्टेट गवर्नमेंट is working to reduce the problem faced by the girls in hill and tribal areas for their education. The state government has undertaken construction of a new hostel for girls in the tribal areas. I am fortunate to inaugurate one such hostel today. Women in Manipur are proactively involved in areas ranging from farming to handicrafts, and all women markets was envisaged so that women do not face any hardship in selling their products. Manipur government led by Sri Birenji is getting such a market constructed in the entire state. I have just inaugurated one such market. I would request Sri Birenji to also popularize government e-marketplace in the state. This is a platform
through which you can sell products to the government. Women in Manipur can get huge benefit from this initiative. Today, I also inaugurated 1,000 Anganwadi centers in the state. These centers will work as a medium for improving the health of thousands of mothers and their babies. They will also benefit from the recently launched National Nutrition Mission on Women's Day. The objective of the mission is to have a targeted approach on providing nutritious food, cleanliness, and vaccination. Doctors, teachers, and nurses posted in remote and far-flung areas of hill districts face many hardships due to lack of proper accommodation at their respective places of posting. To address this problem, I have laid the foundation stone for construction of accommodation for teachers, doctors, and nurses at 19 specified locations in hill and remote areas. I am sure this will go a long way in motivating medical personnel to render dedicated service to the people of these areas. Friends, our government's vision for the Northeast has been transformation by transportation. Our focus is on connectivity. Work is also in progress for connecting remote areas of Manipur by helicopter service. Government is also working on various road projects. I have also laid the foundation of an important road project today. Manipur has a lot to offer on the tourism front. The forest and wildlife, blue hills, lush green valleys, picturesque tea gardens, and diverse culture. Highly educated English-speaking youth in the region make for a perfect case for developing Manipur as a model tourist destination. If tapped well, the sector can emerge as the biggest employer in the region. I also laid the foundation stone for ecotourism at Chairavching, which is a popular hill near Imphal. The foundation stone for a cave tourism project has also been laid. Friends, I have always maintained that India's growth story shall never be complete until the eastern part of our country progresses at par with the western part. The Northeast can be the new engine of India's growth. We are addressing the special needs of the Northeast region to enable growth parity with the rest of the country. Various ministries have been providing special dispensation for the Northeastern under their ongoing schemes. All union ministries are mandated to spend 10% of their budget in the region, and the full utilization of this entitlement is the endeavor of my government. I have mandated my cabinet colleagues to regularly visit the region and take stock of schemes for their effective implementation. Till date, more than 200 such visits have taken place by the union ministers. I myself have visited the Northeast more than 25 times in the last 4 years. The central government has given
a huge thrust on improving the infrastructure in the region. In the last 3 years, on an average, 5,300 crore rupees have been spent annually for development of rail network in the northeastern region, which is 2.5 times of our average spending in the previous 5 years. The Jiribam station in Manipur was connected by the broad gauge rail network in 2016. I had flagged off the fast passenger train to Jiribam in May 2016. Today, 7 out of 8 states of northeastern India are connected by rail network. Projects are going on to connect the remaining state capitals, including Imphal in northeast, to broad gauge network. One of the highest bridges in the world, having pier height of 141 meter, is being built in Jiribam Imphal new line project. A tunnel of 11.5 kilometer length on the same route will be another milestone feature of this project. At the beginning of 2014, the state had only 1,200 kilometers of total declared length of national highways. But in the last 4 years, we have declared another 460 kilometers length of road as national highways, which is an increase of 38%. In next 3 to 4 years, the central government is going to invest about 30,000 crore rupees, 30,000 crore rupees for development of national highways and other important roads in Manipur state. Apart from constructing national highways, we are also focusing on connecting rural habitations with main roads under Prime Minister Gramin Sadak Yojana. The central government has released more than 1,000 crore rupees in the last 4 years under this scheme to the state. We have connected 150 habitations during this period. All these efforts are reflection of our commitment for developing road connectivity in the state. The Union Government has approved a new central sector scheme of Northeast Special Infrastructure Development Scheme. This will fill up gaps in creation of infrastructure in specified sectors. Friends, I urge all the directors general of police during their 2014 annual conference held in Guwahati to broad-based police recruitment. Accordingly, in order to maintain cosmopolitan character of Delhi police, we have taken steps to increase the number of police personnel from the northeastern region. I am happy to share that 430 candidates, including 136 female candidates from northeastern states, have joined Delhi Police in 2016. Of these, 49 candidates are from Manipur state. Recently, Government of India has sanctioned 10 India Reserve Battalions for northeastern states, which includes 2 battalions for Manipur. These 2 battalions will directly provide job opportunities to about 2,000 youth in the state. We have established an administration
that is citizen centric, and we have started the process of regular and structured interaction with the public. These interactions were unheard of in the history of Manipur. Miyamgi Numit and Hill leaders, they are effort in this direction. I am told 24 such interactions have happened, in which more than 19,000 people have made the Chief Minister. I am told that state government is taking public grievance very seriously. A grievance cell has also been set up in the Chief Minister's office with a toll-free number. The Go to Hills initiative of the government is a welcome step. The Chief Minister with his entire cabinet has also travelled to all the hill districts to take the government closer to people. Once Manipur decides something, no force can prevent it from happening. In April 1944, it was in this land of Manipur that Netaji Subhash Chandra Bose, INA, gave the clarion call up for freedom. It energized the nation and gave much needed strength to the freedom struggle. Today, Manipur has decided to play an important role in the rise of a new India. In the last 1 year, Manipur has demonstrated what a politics of development and good governance truly is. Sathiyo, ek saal pehle, jo pyar aapne hame diya, uska hi natija hai ki aaj hum ye sab kaam kar pa rahe hain, aapki seva kar pa rahe hain. Main aapko vishwas dilana chahta hu ki Shriman N. Birenci ji ki team ko meri taraf se, Delhi ki taraf se, Bharat sarkar ki taraf se पूरे पूरा सहयोग मिलता रहेगा. मैं एक बार फिर राज्य सरकार को सफलतापूर्वक जनसेवा को समर्पित, विकास को समर्पित एक वर्ष पूरा करने के लिए राज्य के लोगों और विशेषकर यहां के नौजवानों को विकास की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और आज मैं देख रहा था यहां के नौजवानों ने स्टेडियम को जिस प्रकार से तिरंगे रंग से रंग दिया है, जिस प्रकार से देश की एकता का संदेश मणिपुर के नौजवानों ने आज दिया है, मैं सचमुच में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं. एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मया मबो थागच्चारी. We deeply thank Honorable Prime Minister for the invitation.